नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके एक 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 नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, एक नया ज्ञान लेकर आया हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि 99% लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी जो 1% लोग बच जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल को सॉल्व नहीं करना है, एक जस्ट एक नॉलेज वाली बात है। क्यों कि मेरी यहाँ क्लास में भी कई बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं था। जब मैंने पूछा तो मुझे ये लगा कि चलो क्यों ना, उनको तो मैंने बताया बताया, तो मुझे ये लगा क्यों ना ये बात मैं जो है आप जैसे उन बच्चों को भी मैं बता दूं जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को बता दूं जो इस चीज के बारे में पता नहीं उन्हें, और हो सकता है वो किसी कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वहां पर सपोज ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा टाइम ना गंवा करके हम लोग सीधे बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं इस सवाल को, देखते हैं कि इस सवाल में ऐसा है क्या जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस सवाल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सवाल आपके सामने लिखा है, बहुत छोटा सवाल है कि प्राकृतिक संख्या 48685 में दोनों आठ एट एक और एक ही है के स्थानीय मानों यानी कि वैल्यूज का योग कितना होगा, यानी कि जोड़ कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर संख्या आपने देख ली, दोनों आठ यहाँ पर देख लिया। अब ये स्थानीय मान क्या है, वैल्यूज क्या है, ये थोड़ा सा बच्चों में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चों को तो पता है कि क्या होता है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन दोस्तों को पता नहीं है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। स्थानीय मान का बात कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें घबराने कोई बात नहीं है। आपने सिंपल से सवाल सुना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, ये सब सुना ना आपने। बस इन्हीं के मल्टीपल, इन्हीं के जो गुणांक होते हैं वही आपके स्थानीय मान होते हैं। कैसे, चले देखते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर ये सवाल गलत उतार दिया था, यहाँ पर ये सवाल होगा आपका 48685, ये है गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर देखिये ये जो नंबर में लिखे हैं 48695, तो स्थानीय मान क्या है, ये देखो यहाँ पर आप बोलते नहीं इकाई का अंक है, पांच इकाई है, तो ये इकाई इंटू पांच, आप ऐसे करते हैं ये पांच आ गया। फिर ये दूसरा वाला आठ है, ये दहाई का यानी कि दस वाला अंक है, इसको आठ से गुणा करते हैं, ये आपका अस्सी हो गया। ये आपका सैकड़ा है यानी कि सौ, इसको छह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो गया 600। इसी ढंग से ये वाला आठ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, तो एक दो तीन हजार से इसको गुणा करते हैं आठ को, तो ये आपका हो गया 8000। फिर इसी ढंग से आपके पास चार चार है, चार है तो कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, तो इसको 10000 से गुणा करते हैं चार को, तो ये आपका 40000। ये तो ये जो मान निकले ना, पांच अस्सी 600 8000 40000, यही आपको क्या स्थानीय मान है, लोकल वैल्यूज है, स्थानीय मान है, बस सिंपल है। अब जो सवाल पूछा गया उसी हिसाब से सॉल्व करना, क्या कहता है क्योंकि उसके स्थानीय मानों का योग कितना है, यानी कि आठ के जितने भी इसमें आठ है उनके योग का, तो दो ही आठ है, एक है एक है, दोनों आठ बोलो ना उसमें, तो दोनों आठों के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो पहले आठ का स्थानीय मान है 80, योग निकालना है, और दूसरे आठ का स्थानीय मान है 8000, तो बस 8000 प्लस 80 8080। ये जो है इस सवाल में दिए गए, जो सवाल सवाल समझो इसको, मैं जो दोनों आठ थे उनके स्थानीय मानों का योग है 8080। ये है आपका सवाल, एक्चुअली में इसमें चीज सीखने वाली, स्थानीय मान बस यही होते हैं जो आप जैसे निकल, सबको पता है, मैंने पहले बोला था आपको पता है, लेकिन स्थानीय मान क्या होते हैं उनको एक्चुअली बोलते क्या है वो आपको पता नहीं था। ये तो आता है कि ये ऐसा गुणा करें ऐसे आता है, लेकिन इनको लोकल वैल्यूज बोलते हैं, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज हो सकता है। बाकी सवाल में जो पूछा गया कि योग निकालना है तो वो योग ऐसे निकल जाता, वेरी सिंपल, बहुत छोटा था। तो उम्मीद करता हूं जिन लोगों को ये चीज पता नहीं थी आज उनको भी पता चल गई होगी, वेरी गुड। अगर पता चल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी बात है वो लगा कि हाँ हमको पता नहीं था और आज पता चल गई, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कि हमें पता नहीं था आज पता चल गया। और दूसरी बात, जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट दिया उन लोगों को जिनको पता नहीं था और उनको पता चल गया, तो अगर उनको वीडियो पसंद आ तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उन तक
जब भी कभी हम नई वीडियोस बनाए तो उनको उनके पास हमारी जो है नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, लेकिन नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी कि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दोगे, जैसे कि रेड सर्कल में किया गया। आप देखिए रेड सर्कल में ये ऐसे आपने करना, क्लिक करना है बेल आइकन को ऑल पे, तभी आपका जो है ऊपर जो आपके ऊपर बेल आइकन बना है वहां पर आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि गुरुजी फॉर हाई स्कूल ने एक वीडियो बनाई। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।